नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। रूस ने आज साबित कर दिया कि भारत से उसकी दोस्ती पर दुनिया बेवजह रश्क नहीं करती है। चीन और पाकिस्तान एक तरफ जबकि भारत से उसकी दोस्ती एक तरफ। भारत की सुरक्षा के मद्देनजर रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन की उम्मीदों के विपरीत रूस ने बीजिंग को दी जाने वाली S-400 की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि मिसाइलों को रोकने से पहले मास्को ने बीजिंग पर जासूसी के आरोप लगाए थे। रूसी अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंसेज अकादमी के अध्यक्ष वालेरी मिटको को चीन को गोपनीय सामग्री सौंपने का दोषी पाया है, मगर चाइना की साम्यवादी सरकार इसे भारत की मदद के तौर पर देख रही है। इसी साल जनवरी में रूस ने चीन को 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपे थे, मगर उनके लिए प्रयुक्त होने वाली मिसाइलों की खेप चीन को अगस्त महीने तक डिलीवर करनी थी। पर इसी बीच पिछले महीने ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा हुआ था। बताया जाता है कि राजनाथ ने रूस को चीन की तरफ से भारत पर खतरे के विषय में पूरी जानकारी दी है। उन्हें बताया गया कि चीन भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने भारत द्वारा खरीदे जाने वाले S-400 की डिलीवरी भी वक्त से पहले करने का अनुरोध किया था, क्योंकि चीन के पास पहले से ही मौजूद यह डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बड़ा खतरा है। पलटा बराबर करने के लिए भारत के पास भी S-400 होना बेहद जरूरी है। परंतु अब जो मामला हुआ है और रूस ने S-400 में प्रयोग होने वाली मिसाइलों की डिलीवरी रोकी है, वह भारत रूस की दोस्ती को व्यापार से कहीं बढ़कर दर्शाती है। यानी जिन S-400 पर चीन की सेना इतरा रही है, अब वे एक ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। अगर रूस इसके लिए मिसाइलें ही नहीं देगा तो फिर ये बीजिंग के संग्रहालय में ही सजा कर रखने लायक होंगे। पर बावजूद इसके चीन ने रूस को मक्खन लगाने का काम शुरू कर दिया है। चीन बड़ी चालाकी से अपने जासूसी कांड को छुपाकर रूस की चाटुकारिता पर उतर आया है। रूस की घोषणा के बाद चीन ने सफाई दी है। उसने कहा कि मास्को इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि वह चिंतित है कि इस समय S-400 मिसाइलों का वितरण पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। रूस चाहता है कि इससे बीजिंग को कोई परेशानी ना हो। चीन का कहना है कि कई कारणों से रूस को मिसाइल देने का निर्णय को स्थगित करना पड़ा है, पर वास्तविकता वह नहीं है जो धूर्त चीन बता रहा है। रूस ने यह आपूर्ति तब रोकी है जब चीन अपनी आक्रामकता के कारण कूटनीतिक मोर्चे पर कई देशों से एक साथ संघर्ष कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेनाओं के खूनी संघर्ष के बाद भारत के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते हो गए हैं। हांगकांग और दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया से भी उसके रिश्ते तलख हो गए हैं। ऐसे में रूस द्वारा S-400 मिसाइलों पर रोक लगाने से इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। रूस के इस फैसले की सबसे रोचक बात यह है कि उसने चीन की डिलीवरी तो रोक दी, लेकिन भारत को मिसाइल देने का वादा दोहराया है। भारत को इसी साल के अंत तक यह मिसाइल सिस्टम देने का रूस ने वादा किया है। चीन ने 2018 में रूस से मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त किया था। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट करने की ताकत वाले इस अचूक हथियार को खरीदने वाला भारत दूसरा देश हो जाएगा। बाहरी तौर पर चीन जरूर अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा है, मगर भीतर खाने रूस के इस फैसले ने चीन में हड़कंप मचाया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चीन यह दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि रूस आज भी उसका करीबी मित्र है, मगर रूस ने भारत के हितों के मद्देनजर यह एक बड़ा कदम उठाया है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इसे रूस की तरफ से चीन पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया है, जिसका संदेश यही है कि भारत की संप्रभुता के लिए उसे चीन का साथ हरगिज मंजूर नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि अगर चीन LAC से नहीं लौटा तो रूस अभी और आगे तक जा सकता है। यानी यह चीन की दादागिरी निकालने की वह कूटनीतिक चोट है जिससे चीन का तिलमिलाना और बिलबिलाना दोनों ही बनता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने चीन पर जिस जासूसी आरोप लगाए हैं वह महीनों पहले का मामला है। जिस वालेरी मिटको पर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं, उसने चीन को हाइड्रोएक्टेटिक्स और पनडुब्बी का पता लगाने के तरीकों पर रूस की रिसर्च से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चीन को सौंपी थी। मिटको ने यह जानकारी अपनी चीन यात्रा के दौरान दी थी, जिसके बदले मिटको को चीन की तरफ से लाखों डॉलर दिए गए। रूसी अधिकारियों को इस पूरे जासूसी कांड के न केवल पुख्ता प्रमाण मिल गए, बल्कि चीन की संलिप्तता तभी उजागर हो गई। बड़ी बात यह है कि वालेरी मिटको ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसे देशद्रोह के आरोप में सरकार ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। इस घटना के बाद चीन और रूस के संबंधों में खटास बढ़ गई है।
इससे पहले चीन बड़ी चालाकी से अमेरिका का वास्ता देकर रूस से सहायता की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने ऐसा पानी फेरा कि पुतिन ने मिसाइलों की डिलीवरी निरस्त करके चीन को ही पानी पानी कर दिया। वैसे यह चीन की रूस के साथ पहली हिमाकत नहीं थी। चीन लगातार दूसरे देशों में जासूसी करता रहा है। उसका फोकस दूसरे देशों की तकनीक चुराने पर केंद्रित रहता है। आज चीन जिस तकनीक को अपना बताता है वह उसने दूसरे देशों से ही चुराई है, जिन पर वह मेड इन चाइना का ठप्पा लगाकर अपनी पीठ तपतपाता रहता है। यानी चीन हो या पाकिस्तान, दोनों चोर चोर मुसेरे भाई के अवैध पोते हैं। इससे पहले साल 2004 में रूस के फिजिक्स रिसर्चर वेलेंटिन दानिलोव को चीन के लिए जासूसी करने पर 8 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2016 में रूस के स्पेस रिसर्चर व्लादिमीर लेपजिन को चीन को हाइपरसोनिक विमानों की सीक्रेट जानकारी देने पर 7 साल की सजा हुई थी, जिसका साफ संदेश यही है कि चीन की विस्तारवादी मानसिकता का शिकार रूस भी हो रहा है। शायद अब रूस को भी यह बात समझ में आ चुकी है कि चीन का असली चेहरा वह नहीं है जिसे वह दोस्त बनाकर उसे दिखा रहा है, बल्कि चीन खुद ही रूस की पीठ पर दबाकर छुरा घोंप रहा है। रूस भारत की मित्रता का मायना समझना चीन के बूते की बात नहीं है। चीन उस भावना को इसलिए भी नहीं समझ सकता है क्योंकि वह न किसी का मित्र हुआ है और न मित्रता में विश्वास रखता है। चीन के अस्तित्व का आधार मक्कारी के खंभों पर स्थापित है। इन खंभों की बुनियाद बेहद ही कमजोर हो चुकी है, जो और बदलते दुनिया के परिवेश के साथ धीरे धीरे दरकती जा रही है। दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन को रूस से मदद की और उम्मीद हो सकती थी, मगर उसने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। अब ले देकर कमजोर देश पाकिस्तान बचा है, जिसके भरोसे वह भारत से लड़ने के सपने देख रहा है, पर जिनके तहमंद पहले ही पैबंद युक्त हो उन्हें पैराशूट से जमीन पर उतारने में बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि तैमन तो वह मुड़कर पैराशूट में उलझेंगे ही, फिर जब तक जमीन पर आएंगे पाकिस्तान भी पूरा नंगा हो चुका होगा और संभवतः पाकिस्तान के साथ चीन का भी यही असर होने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।